हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग एग्जेम्पशन पढ़ रहे थे कैपिटल गेन के अंदर में, जिसके अंदर हम लोगों ने सेक्शन 1033, सेक्शन 1037 देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने सेक्शन 54, 54B और 54D, इन सब के अलग अलग वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट कर दिए हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 54EC। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये 50C का एग्जेम्पशन हमको कैसे मिल सकता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सेक्शन 54EC की, तो हमें समझना पड़ेगा कि इसमें हमको डिडक्शन यानी कि एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। पॉइंट क्या कहता है उसको समझते हैं। कैपिटल गेन नॉट चार्जेबल ऑन इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड्स, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो कैपिटल गेन है वो आपको नहीं चार्ज होगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे किसी सर्टेन बॉन्ड में। कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड्स हैं, अगर आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कोई भी कैपिटल गेन का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें आपको क्या कहा गया, इसमें बताया गया कि जो इसमें एलिजिबल SSE होगा वो कोई भी हो सकता है। पहले वाले की तरह इंडिविजुअल HUF नहीं होंगे, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई भी चाहे उसका ये बेनिफिट अवेल कर सकता है। कंडीशंस क्या फुलफिल करनी पड़ेगी, एक एक करके उनको समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड बिल्डिंग और बोथ, यानी कि अगर आप चाहो तो अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को, जो कि लैंड बिल्डिंग या कोई भी इनमें से कोई हो सकता है, जिस सच एसेट कैन बी डेप्रिसिएबल एसेट हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ, यानी कि अगर वो चाहो तो वो डेप्रिसिएबल एसेट भी हो। अब ये डेप्रिसिएबल एसेट का मतलब हो गया कि अगर आपने उस एसेट को अपने बिजनेस के लिए यूज किया, उसके ऊपर आपने एक बार भी अगर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 36 मंथ कम से कम आपने उसको होल्ड किया हो, आपके पास उसकी होल्डिंग 36 मंथ से ज्यादा की होनी चाहिए। नेक्स्ट, द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांसफर शुड बी इन्वेस्टेड इन अ लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि आपके पास जो गेन आया है, भाई सेल कंसिडरेशन से आपने खर्चे माइनस किए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करने के बाद जो आपके पास गेन आया है, उस गेन को आपको अगले 6 महीने के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है सर्टेन बॉन्ड्स पे, तब जाकर के आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। फिर इसके अलावा ये क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट मीन्स स्पेसिफाइड बॉन्ड्स रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2018। देखो ध्यान देना कि ये सेक्शन क्योंकि एक अमेंडेड सेक्शन है, इससे पहले तक ये कहता था कि कुछ भी बेच करके आप बॉन्ड खरीदो, लेकिन अब इस बार इन्होंने एक क्लेरिफिकेशन डाल दिया कि अब सिर्फ लैंड बिल्डिंग और इन दोनों में से, अगर आप इन दोनों में से किसी को बेचते हो तब आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो विद इन 6 मंथ। ठीक है, इन्होंने एक बात और भी कह दी कि वो बॉन्ड ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 5 साल में रिडीम हो, यानी कि आप उसको 2 साल 3 साल 4 साल में पैसे नहीं निकाल सकते हो, आपको उसमें पैसे अगर चाहिए तो कम से कम 5 साल लगेंगे। एक बार आपने अगर पैसे डाल दिए तो 5 साल के बाद ही उसकी मैच्योरिटी आएगी, उससे पहले की मैच्योरिटी नहीं आएगी। ये बॉन्ड भी इशू किसके थ्रू होने चाहिए वो भी क्लेरिफाई किया है, इशूड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के बॉन्ड होने चाहिए, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के होने चाहिए, या कोई भी एनी अदर नोटिफाइड बॉन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहार। स्पेसिफिकली इस काम के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई दूसरा भी बॉन्ड स्पेसिफाई किया हुआ है, वो टाइम टू टाइम ईयर टू ईयर बेसिस पे डिफाइन करते रहते हैं, तो जो भी इसमें डिफाइन किया गया होगा, जैसे पहले जैसे पावर कॉरपोरेशन का एक बॉन्ड आया था उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो ये टाइम टू टाइम आपको बताते रहते हैं कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे तब आपको ये बेनिफिट मिलेगा। The SEC should not transfer or convert or avail loan or advance on the security of such bonds for a period of 5 years from the date of acquisition of such bonds. अगर आपने इससे पहले के सेक्शंस पढ़े हो तो उसमें हर जगह मैंने आपको 3 ईयर्स के बारे में बताया था कि आप 3 साल से पहले उसको सेल नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का दे रखा है। आप 5 साल से पहले इसको रिडीम नहीं कर सकते हो, आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक सिक्योरिटी है जिसमें 5 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा, फॉर श्योर पैसा मिलेगा। तो आप इसमें, आपको इसमें एक ऐसी फैसिलिटी मिलती है कि आप चाहो तो लोन ले लो, आप इसको सिक्योर्ड रख करके, मॉर्गेज रख करके लोन ले लो, वो भी आप नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको प्रोहिबिट कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। अब देखो पिछली बार की तरह अगर आपको याद हो तो इन्होंने घुमा फिरा करके एग्जेम्पशन दिए थे, इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट यहां पे कह दिया है कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड पॉइंट व्हिच एवर इज लोअर। जो भी कैपिटल गेन होगा या जो भी आपने इन्वेस्ट किया होगा, दोनों में से जो लोअर होगा उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ये बात हम लोगों ने पहले भी की थी। इसमें एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात रखी गई है, उसको समझने की जरूरत है। द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट विच कैन बी मेड इन नोटिफाइड बॉन्ड और बॉन्ड्स ऑफ NHAI और RECL यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड
आउट ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वन और मोर एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द ओरिजिनल एसेट इज ट्रांसफर एंड इन द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट एक्सीड 50 लाख. इन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल डाल दिया कि आप इस सेक्शन से अगर बेनिफिट लेना चाहते हो तो 50 लाख रुपए से ज्यादा का बेनिफिट आपको इस सेक्शन में नहीं मिलेगा, चाहे सेम ईयर में चाहे नेक्स्ट ईयर में. आप कहो कि मैंने इस साल 50 लाख डाल दिया, अगले साल 50 लाख. फॉर एग्जांपल यूं कह लो कि आपने जनवरी को एसेट बेचा, अब 6 महीने का पीरियड है, तो जनवरी से मार्च भी इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा और अगले 3 महीने अगले फाइनेंशियल ईयर में आएंगे. तो आपको 50 लाख मैंने इस बार इन्वेस्ट कर दिया, 50 लाख अगली बार इन्वेस्ट कर दिया, नहीं कर चलेगा. आपको मैक्सिमम बेनिफिट इसमें 50 लाख ही मिलेगा इन टोटालिटी. तो आप चाहे इसी ईयर में इन्वेस्ट करो, चाहे आप अगले ईयर में इन्वेस्ट करो, विद इन 6 मंथ्स तक आपको इन्वेस्टमेंट करनी है. होपफुली आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी. बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हम चल रहे हैं, वॉयलेशन ऑफ कंडीशन. ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा और कन्फ्लिक्शन है जो पिछली बार हमने पढ़ा था उससे कुछ अलग हम पढ़ने वाले हैं. In case of transfer of conversion of such bonds or availing loan or advance on security of such bonds before the expiry of 5 years, the capital gain exempted earlier shall be taxed as long-term capital gain in the year of violation of condition. यहाँ पे कहा है कि अगर आपने 5 साल से पहले इस एसेट को ट्रांसफर किया तो जिस साल आप ट्रांसफर करोगे उस साल आपका एग्जेम्पशन कैंसिल हो जाएगा और उसी साल आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा. पिछली बार की अगर ये बातें याद हो आपको तो उसमें कहा गया था कि जो भी आपने एसेट खरीदा है उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे, गेन जो आपने एग्जेम्पशन का बेनिफिट लिया था उससे आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे. लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है उसी साल हम आपसे टैक्स चार्ज कर लेंगे. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले सेक्शंस में और इस सेक्शंस में. होपफुली आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी. आगे के सेक्शंस मैं आपको आगे के वीडियोस में फॉरवर्ड करूंगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.